हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी सौरभ सिंह चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज का वीडियो दोस्तों हम लोग लेके आए हैं हिकविजन का एनवीआर ऑनलाइन करने के बारे में। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो मोबाइल से किस तरह से आप अपने मोबाइल में हिकविजन के एनवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने मोबाइल से लाइव व्यू किस तरह से देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। तो एनवीआर कैसे ऑनलाइन किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है उसका और किस तरह से रजिस्टर्ड वो किया जाता है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जानने के लिए ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसे ऑनलाइन किया जाता है। राउटर को मैंने एनवीआर से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें जो करना है वो स्क्रीन पे किसी भी जगह पे राइट क्लिक करना है, मेन्यू खोलना है। मेन्यू में जाने के साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप जाइएगा, सेकेंड ऑप्शन आपको सर्च करना है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जैसे ही हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है, DHCP दिया हुआ है, इसको इनेबल कर देना है। आप जैसे ही इसको इनेबल कीजिएगा, चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे IP ब्लैंक हो गया है। आप टेंशन ना लें, इसको अप्लाई करें। जैसे ही अप्लाई हो गया, बैक करें। अगेन आप कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप अगेन कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट IP सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको इनेबल कर देना है DHCP। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। राइट क्लिक करना है किसी भी जगह पे, मेन्यू खोलना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको जाना है, नेटवर्क सेलेक्ट करना है, DHCP को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पे देखिए जनरल के बगल में ही आता है प्लेटफॉर्म एक्सेस। प्लेटफॉर्म एक्सेस में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए इनेबल मांगेगा, इसको आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं इनेबल करने के लिए, देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांगता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक कोड अपना जनरेट करके देना पड़ता है, 6 डिजिट 8 डिजिट, जितना भी आपका मन है, 6 8 अंक जितने भी अंक का। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, 6 तक। ठीक है, 1 से लेके 6 तक मैंने दे दिया। ये आपको इम्पॉर्टेंट पड़ेगा, जब आप अपने मोबाइल में देखेंगे लाइव व्यू, तो 1 टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर किसी न्यू मोबाइल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पर लॉक बना हुआ आएगा, तो वहाँ पे ये मांगेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये आपको वेरिफिकेशन कोड है जो डिवाइस को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे आपको ये डाल देना है, ये वाले छोटे से बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बस आपको ओके करना है। अब जैसे ही ओके कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन दिखा रहा है अभी। ठीक है, और वेरिफिकेशन कोड हमारा यहाँ पे ऊपर में आ गया है, हिक कनेक्ट क्लाउड ऑन है। यहाँ पे अभी ऑफलाइन आ रहा है, थोड़ी देर में ही ये ऑनलाइन हो जाएगा। आपको बस यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई किया, देखिए ये QR कोड एक बार हटा, फिर आया और यहाँ पे ऑनलाइन हो गया। इतना ही है NVR के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इससे ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है NVR में। बस सिंपल सा इतना करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड आपको याद रखना है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं दोस्तों QR है, ये एक्चुअली हम लोग को डिवाइस ऐड करते वक्त काम में आएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन हो गया है, एक तरफ का काम हमारा कंप्लीट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मोबाइल में किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो हमने NVR के साइड का काम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर खोलना है और सर्च करना है हिक कनेक्ट। ये जो मैंने सर्च किया यहाँ पे हिक कनेक्ट, जैसे ही सर्च कीजिएगा ये वाला ऐप आपके पास आएगा। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के साथ कुछ टर्म कंडीशन इसके हैं, ये जो एग्री करने आपको बोलेगा। जैसे कहा यहाँ पे देखिए, जैसे अलाउ करने के लिए मांग रहा है एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस, यहाँ आपको अलाउ करना है क्योंकि डिनाई कीजिएगा तो चलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है ये सिलेक्ट कंट्री और रीजन, अपना कंट्री और रीजन को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे देखिए इंडिया आया, इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में देखिए एक एरो बना हुआ है साइन का, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन आया और नीचे आया है विजिटर मोड, आपको करना है लॉगिन। देखिए दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप विजिटर मोड में जाते हैं तो आप जिस मोबाइल पे इसको कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं इसी मोबाइल पे आप देखिएगा, दूसरे मोबाइल पे अगर देखना है तो उस मोबाइल पे फिर से आपको सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा। पर लॉगिन प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें आप 1 टाइम यहाँ पे यूजर पासवर्ड क्रिएट करते हैं और किसी भी मोबाइल में आप उस यूजर पासवर्ड से लॉगिन करके उसको देख सकेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, बहुत ईजी है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एग्री कर देना है टर्म्स कंडीशन को। एग्री करने के बाद यहाँ इंडिया +91 आ चुका है ऊपर में। अगर ना आया हो तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल करके अपना कंट्री कोड डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है जिसपे ये एक OTP आएगा और मांग रहा है।
और मोबाइल नंबर मांगने के साथ यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड बाय ईमेल दिया हुआ है, तो या आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी डाल के। तो मैं यहाँ पे ईमेल सर्च कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो हमारे चैनल का है itvsourcing@gmail.com। अब मैंने यहाँ पे गेट सिक्योरिटी कोड पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने क्लिक किया ये मेरे मेल पे एक सिक्योरिटी कोड भेजेगा। यहाँ पे देखिए न्यू स्क्रीन आ गया है और जो दोबारा मुझे रीजनरेट कोड करने का टाइमिंग मिला है वो 60 सेकंड का मिला, यानी एक मिनट का। तो ये अभी मेरे मेल पे एक मेल आएगा, मैं वहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर पे आप अगर करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, और मेल से अगर आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे बैक करता हूँ और अपना जीमेल चेक करता हूँ। एक्चुअली यहाँ कोई और जीमेल लॉगिन होगा, और चलिए नहीं, हमारा ही जो जीमेल लॉगिन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको मिला है एक कोड। तो जैसे ही मैंने इस मेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक वेरी सिक्योरिटी कोड आया हुआ है 06202। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 06202 और मैं कर दूंगा नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करूँगा ये मुझसे पूछ रहा पासवर्ड, आपको पता ही मैं हर जगह कॉमन पासवर्ड डालता हूँ, तो मैं बस यहाँ पे वही पासवर्ड डालने वाला हूँ अपना। आपको जो सेट करना हो आप कर लें, और केयरफुली कीजिएगा क्योंकि ये पासवर्ड डालने का दो बार ऑप्शन नहीं देता, आपको एक ही बार देता है। तो ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप कोई और की टाइप कर दें, बाद में आपको याद ही ना रहे कि आपने क्या डाला है। तो बहुत केयरफुली उस पासवर्ड सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश और एड डिवाइस का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको ये वाले प्लस पे साइन पे क्लिक करना है डिवाइस पे। जैसे क्लिक करेंगे अलाउ करना है आपको, अलाउ करने के बाद अगेन आपसे अलाउ मांगेगा, आपको अगेन अलाउ करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कैमरा खुला, और जो मैंने आपको बताया था क्यूआर कोड जो हमारे एनवीआर में था वो देखिए ये वाला, इस पर आपको रखना है। और जैसे ही रखेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक डिवाइस को इसने सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, मैं इसे ऐड पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे एडिंग कंप्लीटेड, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करके ही इस जगह पे आपसे पूछता है कि आप कोई नाम देना चाहते हैं डीवीआर अपने एनवीआर को या जो डिवाइस है उससे। तो मैं एक बार ये सब को रिमूव करके यहाँ मैं आपको कुछ नाम डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि चलिए मैं एडमिन ही डाल दिया और सेव कर दिया। अब जैसे ही मैंने एडमिन डाल के सेव किया यहाँ पे पूछ रहा है ओएस ब्लॉक पुश नोटिफिकेशन प्लीज चेक, ये नोटिफिकेशन के लिए मांग रहा है। तो आप नेवर सो अगेन कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आपके फ्लश करेगा, मैं तो बोलूंगा नेवर सो अगेन कर दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे एडमिन आ गया है डिवाइस, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ नीचे देखिए ये 16 चैनल का एनवीआर है हमारा, कैमरा एक ही लगा बट है 16 चैनल का। तो देखिए इस जगह पे मेरा आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे इस ब्लैक वाले जो बॉक्सेस हैं इस पर क्लिक करना है तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अगर मैं मोबाइल को फ्लैट कर दूं दोस्तों तो ये पूरा का पूरा फ्लैट स्क्रीन में आ जाएगा इस तरह से, और मैं अगर इसे सीधा कर लूं तो ये देखिए इस तरह से आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए बाकी सब फाइल टू स्टार्ट लिख रहा है, बट एक कैमरा हमारा लाइव चल रहा है जिसमें कि आप टाइमिंग देख रहे होंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो सेकेंड का टाइमिंग है वो बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है, और इस तरह से इसमें आप जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों इसमें लॉगिन करने का प्रोसेस, किस तरह से आप इसे लॉगिन करते हैं, तो आप बहुत इजीली इसको देख पाएंगे। और अब मैं आपको एक बार ऐप मान लीजिए मैं पूरा ऐप क्लोज कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मैंने सारे ऐप को क्लोज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से अपना ऐप ऑन करते हैं कनेक्ट को। तो देखिए जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे आपसे यूजर पासवर्ड वो मांगेगा और उसके बाद लॉगिन ले लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव रखा था ये लॉगिन हो चुका है। अब मुझे एडमिन पे फिर से क्लिक कर देना और यहाँ क्लिक करना है। तो बार बार ये आपको करना नहीं है, बस एक बार कॉन्फ़िगरेशन करना और बस इस तरह से आपका कैमरा चलने लगेगा। और ऐप से ज़्यादा डीपली अगर आपको और जानना हो इस ऐप के बारे में तो इसका अलग एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरे ऐप को बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया है। तो आज ऑनलाइन का प्रोसेस था, तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि एनवीआर को किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है, मोबाइल में किस तरह से वो ऐड होता है। अगर आपको जानना है कि लैपटॉप से किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जैसे मैंने तो अभी आपको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, अगर आप जानना चाहते हैं कि लैपटॉप से किस तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है कनेक्ट पे, या फिर जो ऐप हम लोग को दिया गया उस ऐप में और क्या क्या से फंक्शन है, रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कैसे करते हैं, प्लेबैक वगैरह हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, वो सारी चीजें ऑडियो का स्पीकर का वो सारा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा आपको, और वहां पे आप जाके सारा कुछ देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है उस पे, वो ऐप का पूरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं बता दूंगा उस वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप जरूर कुछ सीखे हो इस वीडियो से। और अगर ये पसंद आया हो आपको वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।